please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के वडोदरा में 9वीं की छात्रा की हत्या करने का आरोपी छात्र वलसाड से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अधिकारियों को दो और छात्रों के इस हत्या में शामिल होने का शक है। कल 9वीं के छात्र की स्कूल के टॉयलेट में चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी। और वडोदरा में छात्र की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथ दो और छात्र हैं जिन पर हत्या में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में 9वीं की छात्र की हत्या करने का आरोपी छात्र वलसाड से गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच अधिकारियों को दो और छात्रों के इस हत्या में शामिल होने का शक है। कल 9वीं के छात्र की स्कूल के टॉयलेट में चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी और जिसका आरोपी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी छात्र है और उसके साथ दो और छात्र होने की आशंका जताई जा रही है। कल 9वीं के छात्र की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई थी। टॉयलेट में उसका शव मिला था और इस मामले में आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के वडोदरा का यह पूरा मामला है जहां पर 9वीं के छात्र की हत्या कर दी गई थी चाकू घोंप कर। जनक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। जनक, आखिर क्या बात निकल कर आ रही है सामने, क्यों इन बच्चों ने ये कदम उठाया? दरअसल देखिए, जो प्राथमिक या शुरुआती जानकारी अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, क्योंकि आरोपी अभी थोड़े समय पहले पकड़ा गया वलसाड से, जो सामने आई है उसके मुताबिक 9वीं का जो छात्र था, जो पीड़ित है इसमें, जिसकी हत्या कर दी गई, उसका और जो आरोपी जो छात्र है 11वीं में पढ़ता, उन दोनों के बीच में लंबे समय से किसी मुद्दों को लेकर मनमुटाव था। और जो 11वीं का आरोपी जो छात्र है वो वैसे भी मानसिक तौर पर काफ़ी एग्रेसिव था और उसी बात को लेकर प्लानिंग के साथ उसने हत्या की। बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि इस घटनाक्रम जो हत्या की साजिश जो रची गई उसमें दो से ज़्यादा छात्र भी शामिल हो सकते हैं। अब आरोपी पकड़ा गया, उसकी पूछताछ में और जानकारी सामने आ सकती है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनक आपका। परेश जी, सीज फायर रमजान के दिनों में दिया गया था, उसके बाद ये अलायंस टूटना कैसे देखते हैं? ये मेरे हिसाब से बड़ा सही कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत पहले उठाना चाहिए था। जब हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था सत्ता में, तो लोग कहते थे सत्ता के लिए किया गया, अब जब हमने तोड़ दिया तो ये सत्ता के लिए नहीं किया है, हमने ये देश के लिए किया है, तो ये बड़ा जायज़ हुआ है। दूसरी बात यह कि हम देख रहे हैं आजकल जो कांग्रेस के जो लीडर लोग जो अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं, पहले भी जब किसी ने कहा था कि सोनिया जी पूरे हिंदुस्तान की माँ है और वो हिंदुस्तान की माँ बाटला हाउस के एनकाउंटर पे बिलक बिलक के रोई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, फिर दिग्विजय सिंह को ओसामा जी नज़र आते थे, फिर आज जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी जो कहा है कि ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ये सबको देखते हुए एक कदम तो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ है वो सही हुआ है।